आते रहेंगे जिंदगी में धूप छांव का मौसम, यूं ही साथ मिलता रहेगा, यूं ही कारवा चलता रहेगा। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं, मैं सुमन हूं। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो तबीयत अस्वस्थ चल रहा था, और ये हाल सिर्फ मेरा नहीं है, हमारी टीम के लगभग सभी मेंबर्स का है। हमारे संपादक नमन मिश्रा भी लगातार बीमार चल रहे हैं, डेंगू की चपेट में है, मैं भी था, और लगातार आपसे जो है ये दूरियां बनी हुई थी, लेकिन इन दूरियों के बीच में बहुत सारी चीज़ें जो है लगातार चलती रहती है। लेकिन इस दूरियों के दरमियान हमने एक बड़ी बात देखी कि लगातार आप बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, लेकिन एक जो अपनापन है ना, ये हमारी पूंजी है। आपसे और हमारे बीच का जो तालमेल है वो एक पूंजी है। मुझे याद है कि जब पिछली बार सबसे लास्ट एपिसोड हमने किया था, हमारे संपादक नमन मिश्रा के ही साथ दिवाली की रात थी, उस दौरान भी तबीयत खराब थी, और जब हमारे संपादक नमन मिश्रा ने हमारे तबीयत के बारे में आप लोगों को बताया था और कहा था कि किस तरह से कोरोना का टेस्ट हुआ है, सारी चीज़ें हुई है, तो बहुत सारे ऐसे दर्शक थे जो कमेंट बॉक्स में आकर के वहाँ दवा का नाम तक लिख के दे रहे थे कि आप ये दवा लीजिए, सुमन जी ठीक हो जाएंगे। इन सभी प्यार और इन सभी अपनापन के लिए हम लोग वर्चुअली जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो दिल का जो एक रिश्ता है, इसके लिए हम जो है आपके हमेशा आभारी रहेंगे। ऐसे ही आपका दुआ हमेशा मिलता रहे, भारत लाइव को मिलता रहे, भारत लाइव यूं ही जो है सारी चीज़ें आप तक पहुंचाती रहेगी। चलिए, अब बहरहाल आप खबर की ओर आते हैं, आप खबर देखने आए हैं, हमें देख लिया। चलिए सीधे तौर पर बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो गया, लेकिन चुनाव की जो सरगर्मी थी वो लगातार चल रही है। मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार बन गए, लेकिन इसके बाद भी किस तरह से आपने देखा, तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को घेरने में लगे हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का जो सत्र चल रहा था, माफ कीजिएगा पैच, बिहार विधानसभा सत्र चल रहा है, इस दरमियान क्या कुछ घटनाएं हो रही है, सारी सभी चीज़ें जो है भारत लाइव की टीम आप तक लगातार पहुंचा रही है। किस तरह से जुबानी जंग जो है, जो पहले चुनाव के दरमियान देखने को मिलता था, सरकार बनने के बाद ये जुबानी जंग जो है शांत हो जाया करती थी, लेकिन अब ये साल जो है ये बदल गया है, ये वक्त जो है बदल गया है। जुबानी जंग भले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए हों, लेकिन तेजस्वी यादव जो है लगातार घिरते हुए दिख रहे हैं, विधानसभा भवन के भीतर भी दिख रहे हैं। बातें यहाँ तक चलती आ रही है कि बहुत सारी चीज़ें चलती आ रही है, बहुत सारी बातें चलती आ रही है, लेकिन इस बीच राबड़ी देवी ने एक ट्वीट किया। राबड़ी देवी ने कहा कि उनको जो है सबसे ज़्यादा जनाधार जनता ने दिया है, यानी कि राजद को सबसे ज़्यादा सीटें जनता ने दिया है। नीतीश कुमार की हैसियत ही क्या है, उन्हें कौन जानता है। इस तरह की बातें राबड़ी देवी जब कहती हैं, तो फिर से एक बार ज़रूरत हो जाती है बिहार विधानसभा चुनाव की समीक्षा करने की, कि जब जदयू को बताया जाता है कि आपकी हैसियत ही क्या है, तब ये ज़रूरत होती है, जदयू के भीतर भी ज़रूरत होती है समीक्षा करने की, कि उन्हें जो मुँह की अगर खानी पड़ी, भले ही नीतीश कुमार NDA के साथ मिलकर के सरकार बनाने में सफल हो गए हों, लेकिन अगर उन्हें मुँह की खानी पड़ी तो किन कारणों से खानी पड़ी। भारत लाइव की टीम जो है 13 कारण ऐसे ढूंढ करके अभी आपके सामने आई हुई है, हम उन पर चर्चा करते हैं। सबसे बड़ा जो फैक्टर है जिससे आप भी इनकार नहीं कर पाएंगे, सबसे बड़ा जिसे आप बेसिक मानते हैं फैक्टर, वहीं से शुरुआत करते हैं, LJP वाला फैक्टर। आपने देखा किस तरह से लोजपा जो है जदयू की इस चुनाव में लुटिया बुराते हुए जो है नजर आई थी। लोजपा एंटी इनकमेंसी वाली बात तो लगातार चल ही रही थी, लेकिन लोजपा किस तरह से NDA से अलग होकर के जहां जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यानी कि जदयू के जहां जहां उम्मीदवार थे, वहां वहां अपने उम्मीदवार को उतार करके जदयू को नुकसान पहुंचाने में सफल रही। भले ही सीटें जीतने में लोजपा सफल नहीं हो, लेकिन जदयू के जो एक बड़ा जो गच्चा खाने वाली जो बात आती है, उसमें बड़ा फैक्टर लोजपा का फैक्टर रहा है। दूसरी ओर बात करें, संगठन किसी भी अगर बात करें, किसी भी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, चर्चा में बनाए रखने के लिए ज़रूरत होती है संगठन में जो ऊपर से नीचे तक के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे सदस्य स्तर के हो, कार्यकर्ता स्तर के हो, चाहे पार्टी के कोई जो जिम्मेदार व्यक्ति कहें, या फिर पदाधिकारीगण की बात करें, उनकी ओर तक की हम बात करें, उनकी सक्रियता यानी कि एक्टिवनेस जो होती है एक बड़ी बात होती है, एक बड़ी पूंजी होती है। ये कहीं ना कहीं जदयू के भीतर इस चुनाव के दौरान नहीं दिखी, चाहे वर्चुअल रैली के दौरान हो,
वर्चुअल रैली भी सफल नहीं कर पाए थे, जितने भी कार्यकर्ता हर पार्टी के होते हैं। ये सारी चीज़ें आप देखते हैं, जब भाजपा करवाती है कोई वर्चुअल रैली करवाए या कोई भाषण भी करवाए, तो उसे एक लंबे तौर पे एक बड़ा जो जनसमूह है उसे इकट्ठा करने में भाजपा के कार्यकर्ता या अन्य पार्टी के कार्यकर्ता सफल हो पाते हैं। और उसकी अपेक्षा की बात करें तो उस दौरान उसके रेशियो की बात करें तो उसमें जदयू के कार्यकर्ता जो हैं सक्रिय नहीं दिखे। तीसरी जो बड़ी बात आ रही है, जो गठबंधन में उचित सामंजस्य की कमी, इसके लिए तीन चार फैक्टर हैं, ये बात समझना होगा आपको। जदयू के भीतर जो है गठबंधन में सामंजस्य की कमी इसलिए भी हो गई, टिकट जो है, ये सम्मान की बात हम पहले भी करते थे, टिकट को लेकर के एक बड़ा जो वर्ग है वो नाराज चल रहा था, जदयू के भीतर भी चल रहा था। भले ही सारी बातें सामने नहीं आ रही हो, लेकिन हर विधानसभा सीट से अलग अलग लोग थे जो टिकट के लिए प्रबल दावेदार थे। एक का टिकट काटना, दूसरे को देना, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एक गठबंधन के भीतर सामंजस्य की कमी जो करते हुए नजर आई। इसके बाद इसी से निकल जाता है, अब होता है ना कि कोई लॉ देते हैं उससे बहुत सारे डेरिवेटिव्स निकलते हैं, इसी तरह इस वाक्य से ही फिर तीसरा एक चौथा जो बात करें और जो है ये तथ्य जो है वो सामने आ जाते हैं। तथ्य क्या सामने आ जाता है, टिकट के दौरान जिस तरह की जो बातें हुई, टिकट शेयरिंग के दौरान जिस तरह की बातें हुई, इसके बाद से जदयू के भीतर जो है गुटबाजी जो है वो तेज हो गई। गुटबाजी इसलिए भी क्योंकि जिससे टिकट मिला उनका जो खेमा है वो तो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आया, लेकिन साथ रह कर के भी कमज़ोर करने का काम कौन सा किया जिन्हें टिकट नहीं मिला। ये जदयू के भीतर, जदयू पार्टी के भीतर जो है बहुत जो बड़े पैमाने पे दिखा, अलग अलग जगह पे दिखा। आप किसी बिहार के किसी क्षेत्र की बात कर लें, हर जगह ये बातें जो है साफ तौर पर नज़र आ रही थी। इसके बाद जो अगर आप बात करते हैं, ये भी जो एक तथ्य सामने आया है कि टिकट बांटने में कहीं ना कहीं इस बार जदयू जो है वो जरूर गच्चा खा गई। किस तरह से आपने देखा, चाहे मुकामा की बात कर लें, एक तरफ महागठबंधन के हमारे अनंत सिंह थे, उसकी बात दूसरी ओर बात करें जदयू ने अपने रामलोचन सिंह को जो वहां से दिया था, किस तरह से वहां सारी चीज़ें हुई, तो कहीं ना कहीं जदयू जो है ये टिकट बांटने में कहीं ना कहीं इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कमज़ोर दिखी। उनकी जो टीम थी जो टिकट के लिए लगातार सर्वे कर रही थी कि किन्हें टिकट दिया जाना चाहिए किन्हें नहीं दिया जाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उनका जो डाटा है वो ज़रूर कुछ कमज़ोर दिखा। क्योंकि टिकट वितरण के दौरान जो हमने किस तरह की जो अनियमितता देखी, किन्हें टिकट दिया गया, किस आधार पर दिया गया, ये सारी चीज़ें में जदयू कहीं ना कहीं इस बार गच्चा खाते हुए दिखी। इसके बाद अगर बात करते हैं तेजस्वी यादव बड़ा फैक्टर हुए, तेजस्वी यादव कैसे फैक्टर हुए, उनका एक मुद्दा था। चलिए ये खुशी की बात है, बिहार विधानसभा चुनाव पहली बार जो है किसी बड़े मुद्दे पे हुआ। मुद्दा क्या था, रोजगार का मुद्दा था। भले ही चुनाव के बाद ये सारी बातें हवा हवाई हो रही है या फिर कोई इस पे चर्चा करने के लिए जो है तैयार नहीं है, आप जनता हैं, आप भी जो है इस पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव भी थोड़े कहते रोजगार का बात, रोजगार का बात तो एनडीए भी कही हुई थी, 13 लाख रोजगार की बात कही हुई थी, अलग अलग चीज़ें बात कही हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार के मुद्दे पर जब नीतीश कुमार को और उनकी पार्टी जदयू को घेरा गया, उस वक्त जदयू की ओर से एक सटीक जो जवाब होता है ना, जो जैसे कोई बात आई, कोई सांप उठ रहा है उसको आपने कुचल दिया, इस तरह की बातें नहीं की गई, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है। रोजगार के मुद्दे पर जो है वो 10 लाख रोजगार की बात हो, अलग अलग रोजगार की बात हो, उसमें नीतीश कुमार कहीं ना कहीं घिरते हुए दिखे और इससे वो बच नहीं पाए। वो पूरी तरीके से ये मुँह मुँह के धागे वाली जो एक जो सॉन्ग है उसी तरीके से नीतीश कुमार उस धागे में, रोजगार वाला जो सवाल था उस धागे में नीतीश कुमार लिपटते हुए नजर आए। रोजगार की बात हो गई, इसके बाद बात करें नीतीश कुमार जदयू के आलाकमान की, हम बात कर रहे हैं जदयू में वन एंड ओनली करके नीतीश कुमार बने रहे, चाहे चुनाव प्रचार की बात हो या फिर चुनाव के दौरान रणनीति बनाने की बात हो, कोई भी चेहरा जो है सामने नहीं आया। भले ही भीतरखाने में कोई भी बात हो, लेकिन जो एक जो बनाई जाती है सेकेंड इन कमांड बनाई जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दी जाती है, ये सारी चीज़ें नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ही एक बड़ा फैक्टर दिखे जदयू में सारी रणनीति को लेकर के, टिकट शेयरिंग को लेकर के, और भी जो बातें आई सारे में सब पे सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार काबिज रहे, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है जो जदयू में सेकेंड इन कमांड नहीं बनाया गया। इसकी बात बात करें रैलियों के दौरान भी चेहरा के रूप में जदयू की ओर से सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही इस बार प्रेजेंट हो पाए। नीतीश कुमार ही चुनावी सभा को जो है संबोधित करते हुए नजर आए जदयू की ओर से, और कोई भी जो है बड़ा चेहरा जदयू की ओर से ये काम करते हुए नजर नहीं आया। वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर बात करें, संजय मयूख योगी जी से लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये कमान संभाले हुए थे, लेकिन आप और बात करें कि इधर तेजस्वी यादव, लेकिन
तेजस्वी यादव भले ही अकेले इधर कर रहे थे, लेकिन एक पूरा कुनबा एक लहर की बात करते हैं, इनकमेंसी की बात करते हैं, ऐसे में लालू यादव का जो आशीर्वाद और तेजस्वी यादव का फैक्टर इधर चल रहा था, लेकिन जदयू कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भी कमजोर नजर आई। दूसरी ओर बात करते हैं, बयानों की भी बात करते हैं, नीतीश कुमार किस तरह से रैलियों के दौरान ही कई बार जो है आग बबूले हो गए, और जो अलग अलग तरह की जो बातें कर दी, जनता के सवाल का जवाब देने में वो कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखे, कहीं ना कहीं जो उन पे जो है किस तरह का देखा आपने, प्याज उछाला गया, बहुत सारी चीज़ें की गई, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो है एक फैक्टर तो बनता है। जनता के मन में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको, आप जहाँ हैं वहीं नहीं, इसके अलावा भी मीडिया जगत के माध्यम से, अलग अलग मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता आपको देखती है, और जनता जब आपको देखती है तो उसकी बात की समीक्षा करती है जनता। तो इस आधार पे कहीं ना कहीं जनता ने इस बार थोड़ा सा इस वोट देने वक्त में थोड़ी कटौती कर ली, हाथ कटौती कर ली। इसके बाद आपने देखे उम्मीदवार चयन पे जो है, और उस पर गलतफहमी का जो शिकार हो गए नीतीश कुमार, किस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस में सारी चीज़ें कर दी गई। इसके बाद अगर बात कर रहे थे ओवैसी आ गए, ओवैसी वाला जो फैक्टर आया आपने देखा, ओवैसी वाला जैसे फैक्टर आया, मुस्लिम वाला, अल्पसंख्यक समुदाय वाला का हम बात कर रहे हैं, वो जो पूरा वोट बैंक था उसको इस बार समेटने में, जिसमें नीतीश कुमार माहिर बताए जाते थे कि अल्पसंख्यक वोट का जो है, पिछड़ों का जो वोट है, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वोट को खींचने में माहिर बताए जाते थे, लेकिन इस बार जो है नीतीश कुमार का वहाँ जो है जादू नहीं चल पाया। और भाजपा और जदयू में कहीं ना कहीं जो आपसी तालमेल की कमी भी जो है ना, वो भी एक बड़ा फैक्टर रही है। लेकिन ये सीधे तौर पर जो खबर जो आ रही थी, बहुत सारी बातें आ रही थी, चिराग पासवान का जो एक स्ट्रैटजी था उसमें वो सीधे कह रहे थे कि भाजपा और, मतलब एक बात देखिए ना, अभी इनकार नहीं कीजिएगा, पूरे चुनाव के दौरान इस बात पे संशय ही बना रहता था, भले ही भाजपा के नेतागण शीर्ष नेतृत्व लगातार कह रहा हो कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर एनडीए जीतती है तो, अब ऐसा हुआ भी, लेकिन कहीं ना कहीं एक सामंजस्य ये जो की कमी दिख रही थी इन बातों में, बयानों में सामंजस्य की कमी दिख रही थी, जनता जो है क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि सही में नीतीश कुमार रहेंगे, नीतीश कुमार महागठबंधन में जाएंगे, या फिर भाजपा लोजपा मिल करके बनाएगी। ये सारी बातें पोस्ट पोल अलायंस के दौरान, हमने लगातार पहले भी आपको बात कही थी, सारी चीज़ें कब स्पष्ट होगी, पोस्ट पोल अलायंस के बाद, पोस्ट पोल के बाद ही होगी, ये सारे जो अलायंस है वो पोस्ट पोल के बाद ही बनेगा। बात हुआ भी वही, किस तरह से जदयू जीत करके आई, भाजपा जीत करके आई, तभी तो सारी बातें बनी। अगर चिराग पासवान अगर ज़्यादा सीट ले आते तब थोड़ी स्थिति बदल सकती थी, पूरी स्थिति भी समझिए बदल सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैक्टर हुआ। इसके बाद अगर आप बात करें नीतीश कुमार का जो विकास कार्य था, जिस पे वो लगातार जो अपना पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं, सात निश्चय की बात करें, इन सब की एक होती है ना कि आप कोई काम करते हैं उसकी ब्रांडिंग होती है, तो काम की ब्रांडिंग कर पाने में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार असफल रहे। ये बात इसलिए भी हम कर रहे हैं, चाहे आप बिहार टूरिज्म की भी बात देख लीजिए ना, बिहार में क्या लगता है कि बिहार में काबा, ये सवाल पूछ देने से मतलब सब कुछ थोड़े सॉल्व हो जाता है, बहुत कुछ है सासाराम का, बिहार जो भारत लाइफ की टीम जो है चुनावी यात्रा के दौरान ही आपको एक से एक खूबसूरत जगह भी एक्सप्लोर कर रही थी। देखिए ना, बहुत सारा टूरिज्म का वहाँ, यह कांवड़ झील की बात कर ले, हम बात कर रहे हैं पक्षी का संरक्षण का, वहाँ बड़ा एक जो है जगह बन सकता है, सारी चीज़ें बन सकती है टूरिज्म का एक बड़ा, लेकिन सारी चीज़ों को डेवलप किस स्तर से किया गया, उसकी ब्रांडिंग कहाँ की गई है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की एक स्ट्रैटजी जो है ब्रांडिंग करने में कि अपने काम को थोड़ा कमजोर रहती है, और जो अभी का वक्त चल रहा है, आप अगर ब्रांडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उन सारी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाते हैं, तभी लोग तक ये सारी चीज़ें पहुंचती है। तो नीतीश कुमार की जो टीम है और जदयू जो है कहीं ना कहीं विकास कार्यों की जो है, अपने विकास कार्यों की ढंग से जो है ब्रांडिंग नहीं कर पाई, विकास कार्यों की जानकारी जो है लोगों तक नहीं पहुँचा पाए, इसके कारण कहीं ना कहीं इस बार जदयू को भी जो है गच्चा खाना पड़ा। चलिए प्रचार के लिए हो गई बात, और सारे जो हम जो मुस्लिम वोटरों को सही मैसेज नहीं दे पाए नीतीश कुमार, जो अपने क्रियाकलापों से पहले जो देते रहते थे, लेकिन इस बार ओवैसी के आने के बाद ओवैसी ने इस बात पर जो है, जिस तरह से जैसे ही ओवैसी की एंट्री हुई बिहार में, नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं सजग हो जाना चाहिए था कि अल्पसंख्यक वाला जो वोटर था, मुस्लिम वोट बैंक था उनका, वो छिटक सकता है, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे सीरियस नहीं लिया, कहीं ना कहीं ये हार्म तो की, ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार को जो है हार्म करते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं आप बात करेंगे पिछड़ा अति पिछड़ा समाज की, माले और राजद, इन दोनों का जो आपसी तालमेल हुआ ना, ये तो बात मानना ही पड़ेगा। किस तरह से आपने देखा कि जो वाम दल है उभर के सामने आए, ओवैसी की पार्टी वो उभर के सामने आई, महागठबंधन की बात कर लेते हैं, माले और राजद का जो आपसी तालमेल था ना, वो अल्पसंख्यक वोटर को अपनी ओर से दूसरी जगह जाने ही नहीं दिया।
पूरा जो ध्यान है अपने ऊपर सेंट्रलाइज करके रखा रहा। तो ये कहीं ना कहीं अति पिछड़ा समाज का जो वोट नीतीश कुमार की ओर ट्रांसफर होता था, उनका अपना बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, जातिगत वोट बैंक की बात करें हम तो, लेकिन अति पिछड़ा समाज का और जो बात करें जो अल्पसंख्यक समुदाय का, इनका जो वोट बैंक जो ट्रांसफर होता था ना, जो वोट ट्रांसफर होता था ना बल्क में, वो इस बार ट्रांसफर नहीं हो पाया। ये सारी जो वजह है ये बनी। और इसके बाद बात करें जो एक बड़ा फैक्टर ये भी होता है कि सवर्ण समाज किसके साथ है, जदयू इसको बांधने में सफल नहीं हो पाई। बहुत सारी जो है सवर्ण में, मतलब जदयू की जो है अच्छी पैठ बताई जाती थी कि जदयू जो है, मतलब नीतीश कुमार विकास पुरुष का चेहरा लेकर के सामने आते थे, सवर्ण समाज में भी नीतीश कुमार की अच्छी छवि बनी रहती थी, एक अच्छा गहरा जो है वो पैठ बना रहता था। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं इन सारी बातों में नीतीश कुमार कमज़ोर नजर आए। और इसके बाद सबसे लास्ट में जो बड़ी बात है, इनकमेंसी की बात, जो चुनाव से पहले क्या कोरोना काल से ही हम लगातार कहते आ रहे हैं कि इनकमेंसी तो है, हाइपर लोकल लेवल पे है। बिहार विधानसभा चुनाव का जो चुनावी यात्रा था भारत लाइव टीम की, उसके दौरान भी हमने आपको सारी चीज़ें सामने दिखाई, जनता क्या कह रही है वो भी बातें आप तक पहुंचाई। उदाहरण आप भी देख रहे होंगे किस तरह से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का, जब हम पूरे 243 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करते हैं, वहाँ कैसे जो है जनता रिएक्ट करती है, क्या बातें कहती है, नीतीश कुमार के बारे में क्या बात कहती है। कोरोना काल में जो एक प्रोजेक्टिंग की बात आती है, जो किसी भी तरह के जो मैनेजमेंट की बात आती है, चाहे स्वास्थ्य सुविधा की मैनेजमेंट हो, नीतीश कुमार को लेकर क्या नाम, जो जिस तरह की आप ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, अब देखिए ना पिछले बार कोरोना काल के दौरान जो है ये स्वास्थ्य मंत्रालय बीजेपी के कोटे के पास था, बीजेपी के मंत्री के पास था। और अगर बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था अगर खराब है, इसके लिए नीतीश कुमार ही जिम्मेदार माने जाते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, उन पर तो ठीकरा फूटना ही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो है इनसे नीतीश कुमार पीछा नहीं छुड़ा पाए। और ये कहीं ना कहीं ये 13 प्रमुख कारण ऐसे हैं जिनके कारण नीतीश कुमार को इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में गच्चा खाना पड़ा। और राबड़ी देवी का ऐसा ट्वीट आना, इसके बाद से ये जरूरत हो गई थी कि हम इन बातों की समीक्षा करें। भारत लाइव के साथ यूं ही बने रहिए, भारत लाइव की टीम जो है लगातार आप तक खबर पहुंचाती रहेगी, यूं ही सतत प्रयत्नशील रहेगी आप तक सारी बातों को पहुँचाने के लिए, उसी वक्त पहुँचाने के लिए। बने रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।